बननी चाहिए, जीजी भी बननी चाहिए, जीजाजी भी आने चाहिए और मम्मी भी आनी चाहिए सदन के अंदर, यानी परिवार के अलावा कोई और आना नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा या कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट के चलते आपको? कांग्रेस का तो सब कुछ ही गड़बड़ाया हुआ काम है। अब देवतुल्य मतदाता और स्वयं के कार्यकर्ता वो ऊपरी तौर पे न कह पाए लेकिन आंतरिक तौर पे वह सब इस बात से खुद ही पीड़ित हैं कि ये परिवार की पार्टियां हैं, कब तक परिवार की चापलूसी रहेगी। इसलिए पारिवारिक पार्टियों को दरकिनार करके विकास को मुख्यता लोगों ने मतदान किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का जो 11 महीने का कार्यकाल रहा है उसमें आप देखें कि आदरणीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, तो 2014 से मोदी जी का जिस कदर से भारत में काम चल रहा है और संपूर्ण विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तिरंगा सनातन और पूरी दुनिया में भारत का विकास और भारत का कार्य प्रणाली पूरी दुनिया में आज अनगिनत चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है और मान सम्मान अग्रणी पंक्ति में हम लोग भारत के लोग आए हैं। और कांग्रेस का सिर्फ परिवारवाद और परिवार से संबंधित बातें परिवार के ऊपर केंद्र उनका रहा है, तो ये माने कि अब देवतुल्य मतदाता विकास को, आदरणीय मोदी जी के काम को और डबल इंजन की सरकार बोले आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पे जो काम कर रहा है उस काम का नतीजा ये 5 सीट है। 2 सीट में भी थोड़ा बहुत अंतर रहा है लेकिन हम जीते बराबर हैं और ये माने हैं कि आने वाले समय में ये भी ठीक हो जाएगा। ये कितने ही षड्यंत्र रचें, ये वोट जिहाद फैलाने का काम करें और कई प्रकार के इन्होंने जिहाद फैलाने के काम किए, लोगों को बांटने का काम किया, षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बांटकर आने वाले समय में काटने की योजना इन्होंने बनाई, लेकिन अब हम न बटने वाले न कटने वाले, सब सामूहिक संगठित होकर जात पात ऊंच नीच इस प्रकार के जो षड्यंत्र इन्होंने खूब रचे थे उन सबको अब समाप्त करके हम लोग आदरणीय मोदी जी के विकास और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब राजस्थान सरकार के कार्यों पर पूर्णता सब सामूहिक संगठित हैं और उसी कार्य और उसी विकास को मतदान मिला है। इसलिए मैं पूर्णता धन्यवाद केंद्र के नेतृत्व को और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं देवतुल्य मतदाताओं की ओर से कि जो आपकी मेहनत और आपका काम बोल रहा है। किरोड़ी जी ने कहा कि मुझे अपनों ने धोखा दिया, राजनीति में मुझसे चाटुकारिता नहीं होती, इस वजह से मुझे नुकसान। देखिए उस विषय पे मेरा बोलना उचित इसलिए नहीं है कि वे वरिष्ठ हैं, इस बारे में आप उनसे पूछे ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत कमी रही है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, बाकी ऐसा नहीं है। सभी जात धर्म के लोगों ने बहुत अच्छे मतदान किए हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहा है उसका नुकसान और दुख हमें भी है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था आरएलपी के खिलाफ। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी ने पहले कांग्रेस के साथ अपना हाथ मिला रखा है, ये सबको पता है, वो उनके मित्र हैं, ये सबको पता है। और हनुमान बेनीवाल जी ने जो किया वो लोग देवतुल्य जनता वहाँ समझ गई कि उन्होंने सिर्फ एक परिवार को, हनुमान बेनीवाल जी ने अपने एक परिवार को सिर्फ जैसे कांग्रेस कर रही है वैसे उन्होंने काम किया। इसलिए देवतुल्य मतदाता है, चाहते हैं विकास, वो जानते हैं कि आरएलपी का क्या भविष्य है, कि वह 2-5 बोतलों में से सिमट के एक बोतल पे हो गई हैं और आने वाले समय में वे एक बोतल भी नहीं बचे। जी डोटासरा बार बार कह रहे हैं कि काम कुछ करने की सर। देखिए हमें डोटासरा जी को धन्यवाद देते हैं, उनके ठुमके काम आए, उन्होंने खूब ठुमके लगाए थे बीजेपी को जिताने के लिए, तो वो ठुमके काम आए तो हम उनको धन्यवाद बधाई देते हैं कि उन्होंने ठुमके लगाए तो हम लोग अच्छे मतों से जीत कर आए, आगे भी ऐसे ठुमके लगाते रहे तो और अच्छे मतों से हम जीत के आए। जय श्री राम।